अभी मोदी से हाथ जोड़ के बोलती हूँ, हमारा माई बाप है नहीं, मैं हम तो दुख देखा पर अभी हमारे बच्चे दुख नहीं देखे, हमारे बच्चों को सुख मिले, ये नागरिकता मिल जावे। हर में हर साल हम लोग उधर जाते हैं LTV लेने के लिए, बहुत तकलीफ होती है हमारे को। भारत सरकार की तरफ से CAA लागू करने की बात कर दी गई है और इसको पारित कर दिया गया है, ऐसे में इस पर मिला जुला रिएक्शन सामने आ रहा है, राजनीति भी लगातार जारी है, लेकिन खास तौर पर जिन लोगों को इससे फायदा हुआ है उनकी बात रखना बहुत जरूरी है। मुंबई के चेंबूर में मैं मौजूद हूँ और मेरे पीछे जिन लोगों को आप देख पा रहे हैं उन्हें कई सालों से सरकार से आस थी कि कहीं ना कहीं CAA पारित होगा और उनको भारत की जो नागरिकता है वो मिल पाएगी। ये वो हिंदू परिवार है जो पाकिस्तान से भारत आए हैं और कई साल से भारत में रहते हैं। सर, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, क्या नाम है आपका और आप पाकिस्तान से कितने सालों से भारत यहाँ? मेरा नाम किशन विगोरा है और मैं कराची का रहने वाला हूँ, स्वामीनारायण मंदिर का, जो कराची का सबसे बड़ा मंदिर है वहाँ का रहने वाला हूँ। और हमें मुझे 2012 में मैं आया हूँ यहाँ पर। अच्छा। तो मुझे लगभग 13-14 साल हो गए यहाँ पर आए हुए। CAA लागू किया गया, कितना आप लोगों को इससे फायदा जी? CAA लागू तो हुआ है उसको, मतलब 4 साल पहले ही किया था, मगर अभी उसको मतलब अपनी परवान पे जा रहा है। मगर CAA से हमें क्या फायदा, दूसरे फायदे भी हमें जानने हैं कि CAA लागू तो हो गया, हमको नागरिकता मिल जाएगी इसमें हमारे बच्चों के लिए और आने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि CAA के कानून लागू होने से भी CAA से हमें और क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं? तो हम तो बहुत खुश हैं कि CAA का कानून लागू हो गया है और हमें नागरिकता मिल जाएगी, तो हम बच्चों को आगे एजुकेशन वगैरह कुछ जॉब अच्छी रहेगी तो वो भी दे सकते हैं बच्चों को, तो उसके लिए हमें बहुत फैसिलिटी मिल जाएगी। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूंजालाल माहेश्वरी। अपने परिवार के साथ पाकिस्तान से? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। कितने साल पहले आए और क्या वजह थी कि आपको वहाँ से यहाँ आना पड़ा? सर, मैं 2004 में आया, मुझे 20 साल हो गए अभी, 20 साल हो गए। और क्यों आया तो वो तो इज्जत के लिए आ गया, छोटी छोटी बच्चियाँ थी, वो अगर बड़ी जवान बच्चे होते तो उसको मुसलमान लोग उठा के लेके जाते। सबसे बड़ा यही मसला था कि लड़कियाँ, अभी आपको तो मालूम है 27% हमारे हिंदू, 47 में 27% हिंदू वहाँ थे, अभी बिल्कुल 1.5-2% रह गए हैं। तो इसका वजह यही है कि या मुसलमान हो गए या फिर उसको मार दिया गया या उसको पूरे का पूरा गांव को मुसलमान बना दिया गया। लड़कियों को हमारे मेरे खुद की मासी की लड़कियों को मुसलमान बना के लेके गए, छीन के लेके गए, उसकी माँ के हाथों से छीन के लेके गए। उस कारण हम इधर आए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। अभी मेरे बच्चे, मेरी पोते पोतियाँ, 7 पोते पोतियों को नागरिकता नहीं मिली है, मुझे तो मिल गई है, मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई है। अब उनके लिए कुछ अच्छा हो जावे, मैं इसीलिए बोलते हैं, वो बोलते हैं ना कि मोदी सरकार है तो गारंटी है, और बस वही गारंटी है, मोदी सरकार है तो गारंटी है। कुछ ऐसा कर दीजिए, मेरी बेटी उधर है पाकिस्तान में, वो भी आ जावे। हम जो तकलीफ में है, हमने तो बहुत कुछ घुमा दिया, बहुत ब्याज भी, अभी ब्याज चल रहा है, ब्याज चल रहा है, इतने तो हमने ब्याज उठा लिया है। सबको मैंने पढ़ा लिखा के, कोई प्रोफेसर पोतियाँ हो गई है, कोई मास्टर हो गई है। कहेंगे वहाँ पे जिस तरह का शोषण होता था उसके चलते आप भारत आए, लेकिन अब CAA लागू हो गया, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। सर, यही तो है, अब जो CAA लागू हो रहा है तो ये जो हमें कास्ट सर्टिफिकेट मिल जावे, हम छोटी जाति से आते हैं, सुधर में हमें गिनते हैं। मैं तो यही मोदी सरकार को बोलता हूँ कि ये जो 4 वर्ण है ना, ये शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय, इसको निकाल दिया जाए, हम सब एक ही है। माँ जी, आप अपना नाम बताएं, आप बताएं कि आप पाकिस्तान में कहाँ रहा? मेरा नाम दार भाई पूजा लाल पप्पल। हम पाकिस्तान में बेटा सब छोड़ के आए, ऐसा नहीं हम लोग दुखी थे, हम सुखी थे, हमारा धंधा था, पर हमारे बच्चे थे नहीं, उसके लिए परेशानी थी। बच्चों को लेके हम 7 पोता पोती है, मेरी 5 पोती है, मेरे लड़के के लड़का नहीं है, 4 बेटी है, उसको पढ़ाने के लिए हम लोग इधर आए। अभी मोदी से हाथ जोड़ के बोलती हूँ, हमारा माई बाप है नहीं, मैं हम तो दुख देखा पर अभी हमारे बच्चे दुख नहीं देखे, हमारे बच्चों को सुख मिले, ये नागरिकता मिल जावे। हर साल हम लोग उधर जाते हैं LTV लेने के लिए, बहुत तकलीफ होती है हमारे को। बच्चे पढ़ते हैं तो हमारे को इतनी आज़ादी मिल जाए, हमारे को ऐसा नहीं बोले जी पाकिस्तानी है, इसको नौकरी नहीं देने की है, इसको बच्चों को नहीं रखने का। बस हमसे ये विनती है और हाथ जोड़ के मोदी सरकार को बोलती हूँ, हम इसकी आभारी है, हमारे माई बाप है मोदी सरकार, बच्चों को सुख मिले, हम तो दुख देख लिया बस। ये भी आपके परिवार के हैं सारे? आप लोगों से जानना चाहूँगी, आप लोग पाकिस्तान में रह चुके हैं, किस तरह की स्थिति है, हिंदुओं के साथ खासतौर पर किस तरह का व्यवहार होता है? हिंदुओं के साथ सही व्यवहार नहीं होता, उधर गलत नज़र से देखते हैं,
लड़कियां बाहर निकलना उनका मुश्किल हो जाता है, बाहर निकलते हैं तो अपनी नज़र से जब देखते हैं जेंट्स लोग उनको, बाहर निकलती भी हैं तो दुपट्टा सर पर होना ही चाहिए, ऐसा है। नहीं तो ये लागू हो रहा है, कितना आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा, क्या कहेंगे जो सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है? बड़ा अच्छा फैसला लिया है सरकार ने, ये उससे हम लोग बहुत ही खुश हैं, हमें बहुत खुशी हुई मोदी जी ने ये फैसला किया हमारे लिए, हमें बहुत सहूलत मिल जाएगी, हमारे आधार कार्ड नहीं बने हुए, राशन कार्ड में नाम नहीं है, हमारे बच्चों के लिए भी होगी, कुछ कर सकेंगे हम लोग भी आगे। और मोदी जी से यही गुजारिश है, दूसरे हमारी रिलेटिव में हमारी फैमिली है उधर, वो लोग भी आ जाए इधर, उनके लिए कुछ करें इधर। और भी कुछ लोग हैं, मैं आपके पास भी आऊँगी, पहले आपसे आप लोग से जानते हैं, आप जब आप लोग वहाँ रहा करते थे क्या स्थिति थी और सीए लागू होने पर कितना फ़ायदा? देखिए जब हम वहाँ रहते थे स्थिति बहुत ही बेकार थी, नहीं रहा जाता था हमसे, कहीं घूमा नहीं जाता था, कहीं हम घूम नहीं सकते थे, छोटे थे, मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट बोलते हैं ना कुछ काम की नहीं है। बाकी सीए जो लागू हुआ है काफ़ी अच्छा हुआ है हमारे लिए, हमें खुशी है, हमें नागरिकता मिलेगी, हमारा पैन कार्ड बनेगा, आधार कार्ड बनेगा, हम कुछ बिजनेस यूज कर सकते हैं, हम बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं, उसके लिए होगा, अच्छा ही होगा हमारे लिए, इतना बस कहना। विशेष धर्म इसका विरोध भी कर रहा है कि वो नहीं चाहते कि भारत में इसको लागू किया जाए, इसको लेकर क्या कहेंगे आप लोग, इतनी मुश्किल झेल कर आप लोग भारत पहुंचे हैं? मुश्किल बोलेंगे तो मैडम कैसे कैसे करके हम लोग यहाँ पर पहुँचे, और हम जैसे रह रहे ना मैडम हमको मालूम है कि हम कैसे रह रहे, आप सोचिए ना, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, खुद का रूम नहीं है, कुछ धंधे का कुछ भरोसा नहीं है, कुछ काम धंधा कुछ नहीं है, हम कैसे रह रहे, हम कैसे चल रहे मैडम हमको मालूम है। कितना फ़ायदा होने वाला है अभी तो मैडम देखो, अभी जो हो रहा है सब अच्छे ही हो रहा है, जैसे आप इंडियन हो वैसे हम इंडियन बन जाएंगे, जैसे आपका भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है हमको भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, हम भी मतलब ऑल ओके हो जाएंगे, ऑल बेस्ट हो जाएंगे, किसी का कुछ टेंशन नहीं रहेगा। तो पाकिस्तान में शोषण किया जा रहा था, परेशान होकर भारत लौटे हैं, अब भारत सरकार से पूरी उम्मीद है आप लोगों को? बहुत बहुत भारत सरकार से, जब से मोदी सरकार आई है जब से हमारे मन में उम्मीद ही उम्मीद है, क्योंकि देखो आज मोदी सरकार है तो मैडम आप भी इधर हो हम भी इधर है, इससे पहले मैडम कोई भी नहीं आता था, कोई भी पूछता नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपका मतलब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नेशनलिटी मिला कि नहीं मिला, अभी आप है तो भरोसा है, आसरा है कि आज नहीं तो कल एक से एक टका मिल ही जाएगी। कितने साल पहले आप लोग यहाँ पर आए? 2014 में आए इधर। अच्छा, आज नया इधर हम। अच्छा जी जी, क्या कहेंगे कि सरकार ने नया कानून पारित करने की बात की, कितना लाभ होगा? अच्छा होगा ना जी जी, भारत में भारत की नागरिकता मिलेगी जी जी, में मिल जाएगी। यहाँ पर और भी महिलाएं बच्चे हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे आप लोग जब पाकिस्तान में पढ़ा करते थे जिस तरह वहाँ बिहेव होता था उन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे आप भारत लौट आए, पहले आपसे बताएं। हमें तो बस यही है कि यहाँ मतलब आ गए हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम था पर उसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पे आना पड़ा, वहाँ पे गर्ल्स को मतलब इतनी पावर नहीं है कि खुलेआम घूम सके या कुछ कर सके, उनको बुड़के में रहना पड़ता था, मैं खुद बुड़के में रही हूँ यहाँ पर। अच्छा, हिंदू हैं आप? फिर जी हिंदू रहो के भी तो यहाँ पे हम लोगों को फ्रीडम है इस वजह से, और अगर मोदी हमें दे रहे हैं नागरिकता तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हम लोगों को 15 साल हो गया यहाँ पे आए हुए। 15 साल हो गए आपको, क्या कहेंगे आप भी वहाँ पर रहे हो, किस तरह की स्थिति है, बतौर महिला कितना चैलेंजिंग है पाकिस्तान में? बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ कुछ है ही नहीं खासकर लड़कियों के लिए, कुछ घर से ही नहीं निकल सकते तो आगे करेंगे ही क्या लड़की लोग। आप लोग कराची में रहते थे? हाँ कराची में रहते थे, वहाँ से स्कूल जाते थे, वहाँ भी इतना डर डर के जाना पड़ता था, आते टाइम भी देखना पड़ता था कि कोई है तो नहीं, पीछा तो नहीं कर रहा, कोई देख तो नहीं रहा, खौफ खौफ में रहना पड़ता था वहाँ। कितने साल पहले आप भारत आए? 16 साल हो गया हमें यहाँ आए हुए। यहाँ की अब क्या स्थिति है और सीए कानून पारित हो रहा है उस पर क्या कहेंगे, कितना आप लोगों को लाभ होगा बतौर यंगस्टर? आप बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है तो उसके वजह से यहाँ रहना बहुत सही है, क्योंकि यहाँ फ्यूचर अच्छा है, जॉब्स अच्छी है तो यहाँ बेटर है वहाँ से ज़्यादा। नया कानून पारित हो रहा, अपना भविष्य देखती हैं भारत में? मैं अपना तो नहीं अपने बच्चों का देखती हूँ, मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, वो आगे पढ़ाई करना चाहती है उसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। हैप्पी अबाउट दिस? एब्सोल्युटली। तो यहाँ पर एक पूरा परिवार है जो पाकिस्तान से भारत लौटा है, नागरिकता मिलेगी, तमाम तरह से जो समान अधिकार है वो मिलेंगे और उसको लेकर बहुत ज़्यादा खुशी जताई है। सोचिए कि अगर आप अपने घर पर ही महफूज नहीं हैं तो आप वहाँ पर कैसे जी सकते हैं, तो उसी को छोड़कर वो यहाँ पर आए और भारत सरकार से लगातार कई सालों से गुहार भी लगाई गई जिसका फल अब इस बार मिलता नजर आ रहा है और भारत सरकार ने नए कानून को पारित करने का जो अनुष्ठान है वो कर लिया है। कैमरा
कैमरा पर्सन देवेंद्र दयालकर के साथ मैं नम्रता दुबे, इंडिया टीवी, मुंबई।